let us move further with chapter number 2. Which separation techniques will you use for separation of following? यानी अगर हमने कोई मिक्सर में से उसके कंस्टिट्यूएंट अलग करने हैं, तो कुछ नीचे मिक्सर दिए हुए हैं, तो आप कैसे करेंगे? नंबर 1, सोडियम क्लोराइड ब्रोमेट सॉल्यूशन इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो हम अपना नमक यूज करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो पानी में घुला हुआ है, तो कैसे अलग करेंगे? तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन कॉमर्शियली डज द सोडियम क्लोराइड सेपरेशन फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर। तो इवोपरेशन होती है, जैसे आप बर्तन में डाल के उस घोल को रख दीजिए, विलयन को, सॉल्यूशन को, तो पानी धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, उसमें नमक रह जाएगा, तो ये सिंपल इवोपरेशन है। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब मान लो ये अमोनियम क्लोराइड भी एक साल्ट होता है, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिले हुए हैं, तो आप उनको कैसे करोगे? अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज सब्लिमेशन। जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट हो जाता है, यानी सीधा वेपर में बदल जाता है। हैंस दिस टेक्निक इज प्रेफर्ड। तो सब्लिमेशन करेंगे, रख देंगे बाहर, वो उड़ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, नीचे जो है साल्ट रह जाएगा। द मीट मेटल स्क्रैप्स कैन बी फिल्टर्ड मैन्युअली। तो तीसरा है, स्मॉल पीसीस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ ए कार। इंजन का ऑयल है, जो मोबिल ऑयल वगैरह होती है, उसमें मान लो उसके कण पड़े हुए हैं लोहे के, तो वो हम कैसे अलग करेंगे? तो वो सिंपल फिल्ट्रेशन है, उसको बारीक छेदों वाले फिल्टर से करेंगे, तो वो ऊपर रह जाएंगे, तेल नीचे चला जाएगा। डी जो फोर्थ है, बटर फ्रॉम कर्ड। दही में से जो है घी को अलग करना, बल्कि इससे पहले एक और है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पिटल्स। जो फूलों के पत्ते होते हैं, तो उनके जो उनमें से अलग अलग पिगमेंट जो है, वो अलग अलग हम कैसे उसको कर सकते हैं? तो इसमें करेंगे, द डेलिकेट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पिटल इज डन विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये अलग टेक्निक होती है, इसका जो विश्लेषण है यहाँ पे, इसका एनालिसिस यहाँ पे नहीं है आपकी बुक्स वगैरह में, तो आगे अगली क्लास में आता है। ये क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें एक घोल लगा देते हैं स्लाइड के ऊपर, तो उस पिगमेंट में वो जो उसका मिक्सर है उसमें डुबो देते हैं, तो जो अलग अलग पिगमेंट है वो अलग अलग ऊंचाई चढ़ते हैं, तो वो अलग अलग ऊंचाई पे जाके रुक जाते हैं, तो इस प्रकार अलग करते हैं। द बटर फ्रॉम कर्ड, दही में से घी को अलग करना, तो उसको हम जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं, गिलोते हैं, जैसे मथनी से आप दही जमाते हो, उसको गिलोते हो, तो लस्सी बन जाती है, घी बन जाता है। तो वो सेंट्रीफ्यूज कैसे काम करता है कि वो घुमाता है उसको, जो कर्ड है उसको घुमा देगा जोर से, तो उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाएंगे, और जो लाइट है वो नजदीक रह जाएंगे, सेंटर में रह जाएंगे, तो घी हल्का होता है, ये सेंटर में रह जाएगा, और लस्सी जो है बाहर चले जाएगी। तो डेंसिटी का डिफरेंस होता है, डेंसिटी का मतलब उसका हल्का और भारी, हम डेंसिटी के हिसाब से कहते हैं। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर। ये सिंपल है, ऑयल एंड वाटर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। ये दोनों मिलते नहीं है कभी, कितना भी ला लो, जब आप इसको स्टिल रख दोगे ना, तो ऊपर हल्का है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा, ऑयल होता है, नीचे वाटर रह जाएगा। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी। जो चाय बनाई है हमने, उसमें से चाय के पत्तों को अलग करेंगे, तो वो सिंपल फिल्ट्रेशन होता है, कैन बी मैन्युअली सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। यानी छलनी है, उसके ऊपर डाल देंगे, काफी मोटे होते हैं ना चाय की पत्तियां, तो ऊपर रह जाएंगी और चाय नीचे निकल जाएगी। आयरन पिंच फ्रॉम सैंड। अगर सैंड है आपके पास, यानी कोई रेत है, उसमें आयरन की पिंच मिली हुई है, तो उसको कैसे करेंगे? तो वो जो मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे हम, उसमें मैग्नेट घुमा देंगे, आयरन पिंच उस पर चिप जाएगी, रेत रह जाएगी। द आयरन पिंच पोजेसेस ए मैग्नेटिक क्वालिटी विच इज द की करेक्टर रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैंने अभी बताया कि उसमें से घुमा देंगे और वो निकल जाएगा। उसके बाद है वी हस्क फ्रॉम व्हीट, यानी व्हीट से, ग्रेन से उसका जो भूसा है यानी टुकड़ा है, वो कैसे अलग करेंगे? व्हीट एंड हस्क वेरी इन देयर मासेस। तो व्हीट जो है गेहूं का दाना, और जो टुकड़ा वो उनका मास अलग अलग होता है, गेहूं हैवी होता है जबकि हस्क हल्का होता है। दस विद ए लिटल वाइंड एनर्जी, तो हल्की सी अगर हम हवा चलाएंगे तो टूड़ी उड़ जाएगी और गेहूं नहीं उड़ेगा, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो विनोइंग या सेडिमेंटेशन टेक्निक्स आर प्रोमोटेड इन देयर सेपरेशन। तो इस प्रकार से वो जैसे बरसाते हैं ना छाछ वगैरह ले। लास्ट है
फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में मड पार्टिकल अटके हुए हैं जैसे रेत, हैवी आर सेटल्ड एट द बॉटम। अगर हम उस पानी को थोड़ा स्टील रख देंगे तो वो हैवी होते हैं पार्टिकल और वो धीरे धीरे करके तली में जम जाते हैं। कंटेनर वैन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बिना छेड़े हुए यानी स्टील रख देते हैं। द क्लियर वाटर इज देन सेपरेटेड बाई टिल्टिंग इट आउट, और जो निथारना जिस विधि को बोलते हैं निथारना, तो उसको हम ऊपर से ग्लास को टिल्ट कर देंगे, थोड़ा झुका देंगे तो पानी ऊपर ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे जिसमें मड है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन, तो उसको निथारना हम बोलते हैं। तो ये हमने अभी टेक्निक करी है और उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। राइट द स्टेप्स यूज फॉर मेकिंग टी। अब आपने कुछ स्टेप्स हैं चाय बनाने के, तो उसमें इन चीज़ों का यूज करना है। वर्ड्स सॉल्वेंट यूज करना है, सोल्यूट, सॉल्यूशन, डिजोल्व, इनसोल्यूबल। अब मैं बोल देता हूँ, सॉल्वेंट होता है घोलक यानी जिसमें हम चीज़ को घोलते हैं जैसे पानी। सोल्यूट होता है जो चीज़ घोली जाती है जैसे नमक घोलते हैं पानी में, तो पानी सॉल्वेंट है, नमक सोल्यूट है, और दोनों मिलके जो घोल बनता है उसको बोलते हैं सोल्यूशन। डिजोल माने घुलना, इनसोल्यूबल माने अघुलनशील जो घुलता नहीं है, फिल्ट्रेट माने जो फिल्टर होके चीज़ बाहर निकल जाती है ना, जैसे हमें कुछ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है पानी में, पानी को छानते तो कूड़ा करकट ऊपर रह जाता है, वो फिल्टर वो होता है रेजिड्यू, और फिल्ट्रेट होता है जो नीचे निकल जाता है। तो जो चीज़ हमें साफ चाहिए वो फिल्ट्रेट है, और जो गंदगी है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। अब इसका चाय बनाने की विधि है, टेक ए कप ऑफ मिल्क इन ए वेसल एंड दैट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट एंड हीट इट। तो मिल्क लेंगे थोड़ा सा कप के अंदर, एक कप मिल्क, उसको गर्म करेंगे, वो सॉल्वेंट का काम करेगा। ड्रॉप इन द टी लीव्स और द पाउडर टी लीव्स इन द मिल्क एज सॉल्यूट, उसके अंदर हम चाय पत्तियां डाल देंगे, वो सॉल्यूट का काम करेगा और लगातार हीट करते रहेंगे। द टी लीव्स और द पाउडर टी लीव्स यूज इन इनसोल्यूबल इन द मिल्क एंड इज विजिबल इवन आफ्टर द हीटिंग। अब ये जो टी लीव्स हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं है, यानी उनका रस तो घुल जाता है लेकिन लीव्स ऐसे ही पड़े रहते हैं चाय की पत्तियां, तो वो हमें दिखती रहती है, विजिबल होती है। नाउ टू द बॉइलिंग सोल्यूशन एड सुगर एंड स्टीरिट, उसके बाद उसमें चीनी डाल दीजिए, ये भी सोलवेंट है, ये भी सोल्यूट है चीनी, और उसको स्टीर माने लाते रहो। द सुगर एक्ट्स एज अनदर सोल्यूट बट इन दिस केस इट इज सोल्यूबल इन सोलवेंट, लेकिन ये इसमें घुल जाती है, शुगर क्या है घुल जाती है, चाय की पत्ती नहीं घुलती। आफ्टर इनफ हीटिंग फिल्टर द सोल्यूशन यूजिंग ए मीडियम, अब उसको फिल्टर कर लीजिए छलनी से लेके, मीडियम माने किसी माध्यम से, तो छलनी ले लेंगे हम। वैन डन द इनसोल्यूबल टी लीव्स स्टेज बिहाइंड एज रेजिड्यू, तो चाय की पत्तियां जो है रेजिड्यू के रूप में ऊपर रह जाएंगी, एंड द सोल्यूबल एसेंस एंड शुगर पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम एंड इज कलेक्टेड एज फिल्ट्रेट, तो वो छानने के बाद वो नीचे निकल आती है चाय और चीनी, तो उसमें घुली हुई है, तो जो चीज़ घुली हुई होती है ना सोल्यूशन के अंदर, एक तो सोल्यूबल है एक इनसोल्यूबल चीज़ तो ऊपर रह जाएगी, सोल्यूबल है वो तो पानी के साथ या चाय के साथ ही नीचे चली जाएगी, तो चाय भी फिर मिट्टी रह जाएगी।